देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी फोर जो है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फोर को हम देख रहे हैं, उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 0 to 1. दिस इज द कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x + x² इंटू डी एक्स इक्वल्स टू. इसकी वैल्यू पूछी है इसमें. ए ऑप्शन गिवन एज द 5/2 + ln 2. बी ऑप्शन इज 5/2 - ln 2. सी ऑप्शन इज 5 - ln 2 एंड द डी ऑप्शन इज 1/2 π - ln 2. दीज आर द ऑप्शंस गिवन, राइट. तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा कि कॉट के फॉर्म में कभी भी कोई चीज सॉल्व होती नहीं है, तो उसको आपको कॉट इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है. तो बेस्ट है इसमें यदि आप इसको ऐसा चेंज कर लेंगे 0 to 1, दिस इज 1/, इसको पूरा ले लेंगे 10 इनवर्स ऑफ. सो 10 इनवर्स ऑफ, हियर द एंगल चेंजेस, एंगल रेसिप्रोकेट्स इफ यू राइट द 10 इनवर्स. तो सीधा इसको आप लिख सकते हैं 1/1 - x + x². अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे और उससे बहुत आसान हो जाएगा. ये किस तरह से, 0 to 1 लेंगे आप, 10 इनवर्स ऑफ, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 1 इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - x ही बचने वाला है, राइट. एंड 1 - x यहाँ बचेगा और इसको हम लिख पाएंगे x-, अगर ये माइनस का है तो फिर x + 1 - x का फॉर्मूला बना सकते हैं. न्यूमरेटर में इन प्लेस ऑफ 1 यू कैन राइट द x + 1 - x, राइट. सो इट इज क्लियरली इन फॉर्मूला 10 इनवर्स ऑफ a + b 1 - ab, ठीक है. सो इट कैन बी रिटन एज द 0 to 1, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ x + 10 इनवर्स ऑफ 1 - x. इस तरह से लिख देंगे और उसको आप सेपरेट भी कर दीजिए, इस तरह सेपरेट कर सकते हैं इसको. 10 इनवर्स ऑफ, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ x dx एंड प्लस 0 to 1, 10 इनवर्स ऑफ 1 - x (dx), राइट. दिस इज द सेम आई की वैल्यू ये अभी तक यहाँ पे ऐसी चल रही है, ठीक है. अब नाउ सी जो प्रॉपर्टी फोर का यूज है, प्रॉपर्टी फोर का यूज इसमें होगा और इसमें वैल्यू चेंज कर जाएगी, ठीक है. तो उसमें 1 - x की जगह आपको ऐसा चेंज करना पड़ेगा 1 - 1 - x आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी फोर. सो इट विल बिकम द 1 - 1 1 - 1 + x हो जाएगा इस जगह, 1 1 कैंसिल. सो अगेन एज यू यूज द प्रॉपर्टी फोर हियर, प्रॉपर्टी फोर जैसे यूज करेंगे सो इट विल बिकम द आई 0 to 1 10 इनवर्स x dx प्लस दिस इज अगेन 0 to 1 10 इनवर्स ऑफ x dx, राइट. अच्छा इसके बाद में इसको डबल लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन डबल. सो इट इज इक्वल्स टू 2 times of i equals to 2 times of 0 to 1 10 inverse of x dx. अब पर्टिकुलर इस चीज को हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था कि log x का इंटीग्रेशन करना हो या 10 inverse x का या log x का होल स्क्वायर हो उसका इंटीग्रेशन करना हो, सो यू इट इज डन बाय द प्रोडक्ट फॉर्मूला. यू हैव टू टेक द 10 inverse x एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज अ सेकेंड फंक्शन. तो उस तरह से उसको वर्कआउट करते हैं. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें फॉर्मूला है, कोई डायरेक्टली आप यूज कर लेंगे उसको और बाद में इसमें हम पूरा लिमिट लगा देंगे, ठीक है. तो उस तरह से ले लेते हैं इसको. आप इजी बनाने के लिए थोड़ा i/2 ले लीजिए इक्वल्स टू और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. दिस इज द 10 inverse x (1). लिमिट टर्म ओवरऑल बाद में प्लेस कर देंगे पूरे फंक्शन पे जब आप इंटीग्रेशन ले सकते हो. दो तरह से यूज करते हैं उसको, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट फॉर्मूले पे जो लिमिट है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. बेस्ट यह है कि आप अलग से इसको पूरा इंटीग्रेट कर लें. दिस इज द 10 इनवर्स एक्स, राइट.
और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, फिर यहां पे इंटीग्रल साइन आता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 plus x square into dx, right? और इस पूरी वैल्यू पे आपको लगानी है लिमिट 0 टू 1, ठीक है? बट बिफोर दैट सी, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स x, इसको भी हम यहां ऐसा ही लिखते चलते हैं, दिस इज x tan इनवर्स x, और इसको वर्कआउट करना बाकी है। सो देखिए, अगर 1 plus x square को t लाइन लट कर रहा होगा यहां पे, तो डेफिनेटली यहां 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इसमें ऐसा करें, हैंड टू हैंड 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x dx अपॉन 1 plus x square, और ये हमारा काम पेंडिंग है, 0 to 1 लिमिट लगानी बाकी है अभी, और उसको हम इधर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x tan इनवर्स x, राइट, माइनस 1 बाई 2, अब देखिए 1 plus x square को t लेगा तो 2x dx dt बनेगा, dt अपॉन t ln t, तो इसमें आ जाएगा 1 by 2 ln t ln of 1 plus x square, ये भी complete हो गया 0 to 1। Now what you have to do, just place the values, और ये value चल रही है आपकी i by 2 की, i by 2 equals to value 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, tan inverse 1 is a pi by 4, पहले हम upper limit place कर रहे पूरे में, so minus 1 by 2 ln 2, this is after placing 1 here, it will become the log 2. So it is ln 2. This is the upper limit placement, right? Now see, when you put the lower limit jab rakhte hain, to ye 0 banayega aur yahan log 1 dega. 0 rakhenge, to log 1 dega. Log 1 bhi 0 hota hai, to wo baat hum khatam kar dete hain, chhod dete hain. Theek hai? Ab jo baat bachi hai, wo itna bacha hai, I by 2 aa gaya, right? और इस पूरे को i निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को ये हटा दीजिए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब, और इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट इज अ क्लियर कट वैल्यू, राइट? एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय द 2, तो i की वैल्यू आ गई आपके पास में पाई बाय 2 माइनस ln 2। नाउ चेक द आंसर, पाई बाय 2 माइनस ln 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट? तो डेफिनेट इंडिकेशन में इस तरह से यहां इस जगह पे देखिए, कभी कोई क्वेश्चन गिवन होता है, कोई जरूरी नहीं है, हियर इट इज ओनली द प्रॉपर्टी 4 इज यूज्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस, और बाद में हमने इसका सब्स्टिट्यूशन का यूज किया इस जगह पे, और उसके बाद में उसको वर्क आउट किया, यहां पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल का पर्टिकुलर फार्मूला यूज किया, डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेट कर देंगे, बाद में लिमिट लगा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा पाई बाय 2 माइनस ln 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज एन AIEEE 2011, राइट? सो AIEEE 2011 जेई मेंस का जो नाम है, पहले AIEEE था, तो AIEEE का क्वेश्चन हुआ ये, वैल्यू ऑफ 0 टू 1, एंड दिस इज 8 ln ऑफ 1 plus x divided by 1 plus x square into dx equals to, और particular value required है, the first A option is pi by 8 ln 2, pi by 8 ln 2, B option is pi by 2 ln 2, C option is ln 2, and the D option is pi ln 2, डी ऑप्शन इज पाई ln 2। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? सो इनिशियली आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी यहां पे 4 का ऐसा यूज दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी 4 का यूज तभी दिखता है जो कोई वैल्यू कैंसिल होनी हो या कुछ और कंडीशन दिखती हो।
अगर हम उसको x की जगह 1 माइनस एक्स लिख भी देंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, और नीचे स्क्वायर्ड वैल्यू है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो बेटर ये है कि अभी हम इसमें इनिशियली सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। देखिए 0 to 1 है एंड दिस इज 8 ln 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें लेट कर लेंगे आप, लेट x इक्वल्स टू 10 थीटा। व्हेन x इज 10 थीटा देन डी एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो ये और इसमें लिमिट में भी चेंज होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज होगा। सो व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट विल बी आप x की जगह 0 रखेंगे तो 10 थीटा इक्वल्स टू 0, सो थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज द लोअर लिमिट। एंड व्हाट अबाउट द अपर लिमिट, यू एल मीन्स अपर लिमिट। सो अपर लिमिट में ये हो जाएगा कि यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, 10 थीटा की वैल्यू आप लिखते हैं 1 कब, जब थीटा होता है पाई बाई 4। सो दिस इज द लिमिट चेंजेस, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, आप ये वैल्यू आ जाएगी 0 to π/4। देखिए ये हमेशा ध्यान रखें, यहाँ इस जगह पे मिस्टेक हो जाती है कई बार, बच्चे क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन किया बट लिमिट चेंज नहीं किया, लिमिट चेंज नहीं किया, पूरा सवाल गलत हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज 8 ln 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एंड dx की जगह लिखोगे आप sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, राइट। इट कैन बी रिटन एज 0 to π/4। नाउ सी दिस इज i इक्वल्स टू 8, 8 कांस्टेंट है, वो आउटसाइड में ले लीजिएंगे, log ऑफ 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा। और इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी 4 का बेस्ट यूज होगा, बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर्टी 4 उसको जो है किस तरह से वैल्यू को कैंसिलाइज करती है, क्या यूटिलिटी है वो आप देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे ही प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं, प्रॉपर्टी 4 में अब a की जगह पाई बाय 4 है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे एट दिस प्लेस P4 यूजिंग P4, और जो इसके बाद जो पोजीशन बनती है 8 0 to π/4 ln, आप लिखोगे 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है, इनटू डी थीटा। बाकी वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं सारी, तो अब देखें क्या होता है, 0 to π/4 एंड ln ऑफ ये चल रहा है i इक्वल्स टू 1 प्लस एंड 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा फॉर्मूला लगेगा, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, सो इट इज 10 1 माइनस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इनटू डी थीटा। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 0 to π/4 ln एंड 1 प्लस 10 थीटा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 थीटा, राइट, इनटू डी थीटा। और इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 0 to π/4 ln ऑफ दिस 10 थीटा कैंसिल्स, 2 अपॉन दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, राइट, इनटू डी थीटा। ये लॉग के अंदर है सारा, लॉग के अंदर ही पोर्शन, ठीक है। अब आप देखिए, एक तो आपके पास में ये, इसको हम इक्वेशन 1 डिनोट कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड इसको भी नहीं, इससे पहले वाली, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ये प्रॉपर्टी 4 यूज करने के बाद है, ये पहले वाली सिचुएशन में, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, राइट। और ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बहुत आसान है, 0 to π/4 this becomes the ln 2 minus ln of 1 plus 10 theta, और दोनों को सेपरेट भी कर देते हैं साथ ही साथ, this is ln 2 d theta और 8 इसके साथ में भी आएगा, 0 to π/4 ln of 1 plus 10 theta d theta, right। तो overall जो value है ये दूसरा i बन गया आपका,
ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई, दिस इज ऑल्सो आई, और उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें, लेट से दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और दोनों को ऐड कर देंगे, वन प्लस टू, सो इक्वेशन वन प्लस टू, वेन यू डू द वन प्लस टू तो देखिए क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स टू, टू टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स टू, एंड दिस पोर्शन क्लियरली कैंसल्स विद द दिस पोर्शन, ये पॉजिटिव है, जीरो एट टाइम्स भी एज इट इज रखते चलेंगे, दिस इज और दिस इज माइनस एट टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस कैंसल्स एंड ये वैल्यू बचती है, दिस इज एट टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर एल एन टू डी थीटा, और उसको आप लिख पाओगे दिस इज आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आप चाहें तो एक ये कट हो जाएगा, दिस इज फोर टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर एंड टेक आउट द एल एन टू आउटसाइड, दैट इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो उसको भी बाहर निकाल दोगे, जीरो टू पाई बाई फोर हो गया डी थीटा, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं फोर एल एन टू है, इसमें थीटा बनेगा और लिमिट प्लेस होगी पाई बाई फोर एंड जीरो, और इसकी अपर लिमिट वैल्यू ही काम करेगी, दैट इज द पाई बाय फोर, तो जब पाई बाय फोर होगा तो फोर पाई बाय फोर से कट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई एल एन टू, दिस इज पाई एल एन टू, दिस इज द आंसर, पाई एल एन टू डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज इन ए आई ट्रिपल ई 2011, और आप डेफिनेटली जितना मैंने वर्कआउट किया है उससे कम में काम नहीं बनेगा, उतना आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा लेट करना जरूरी है, आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ये पोजीशन बनती है, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी फोर, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी फोर ये पोजीशन आ जाती है, और उन दोनों को आपको ऐड करना होता है, डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, इससे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा, राइट, और उसके बाद में ये पोजीशन आएगी एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई एल एन टू इज द राइट आंसर, इसके बाद में दिस इज द डी ऑप्शन करेक्ट, एंड इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के,